हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीव एजुकेशन। और आज के वीडियो में हम अपने जो सेवन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने इसके ऊपर चार वीडियो बना चुके हैं सेवन चैप्टर के ऊपर, टेंथ क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज इसके जो क्वेश्चन है वो आगे करेंगे। लास्ट क्लास की वीडियो में मैंने आपको सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले के बारे में बता दिया था, तो आप उस फार्मूले को प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं जो मैंने करवाए थे। मैंने इसका सेक्शन पॉइंट 7.2 का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, 7.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा दिया था, और एक क्वेश्चन नंबर 9 थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था, इसलिए मैंने इसको पहले ही समझा दिया था। तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आप इसकी जो लिंक है वो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक उसमें वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। इससे पहले हमने इसके चार वीडियो बना चुके हैं, आज हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉ विद द चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ ईच 1 मीटर 100 फ्लावर प्लॉट्स हैव बीन प्लेस द डिस्टेंस इन द 1 मीटर। तो ये जो दिख रहा है, ये जो फ्लावर पॉट लगे हुए हैं ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे और ऐसे 100 है, तो मतलब जो AD की लेंथ है वो कितनी है आपके पास, AD की लेंथ है आपके पास 100 मीटर है, ठीक है। तो ये लिखा है फ्लावर पॉट 1 मीटर फॉर ईच अदर अलोंग AD। फिर यहाँ लिखा है एक लड़की है निहारिका, निहारिका जैसे लड़की, ये जो फर्स्ट लड़की है रनिंग कर रही है इसका नाम निहारिका है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो यहाँ पे और ये सेकंड प्लेस है, मतलब ये सेकंड प्लेस से स्टार्ट कर रही है, तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसका कोई पॉइंट क्या होगा, तो ये एक्स पे 2 है और जाके 1/4 पे जाके लगाती है, तो उसका हम पॉइंट निकालेंगे। इसके बाद कौन है, और पोस्ट ग्रीन फ्लैग, तो यहाँ पे वो ग्रीन फ्लैग लगा देती है, ठीक है। के बाद कौन है, प्रीत है, प्रीत क्या करती है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD, मतलब वो AD का 1/5 जाती है 8th रो से, ये देखो ये 8th रो है, इससे जाती है। तो ये कह रहा है रेड फ्लैग लगाती है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, तो वो कह रही है कि इनके जो भी जहाँ पे यहाँ पे भी जाके ये फ्लैग लगाए, जैसे इसने जाके यहाँ फ्लैग लगाया, तो इसने कैसे लगाया था, वो ग्रीन फ्लैग लगा, तो ग्रीन कलर का लगा दे, जाके क्या करा, यहाँ जाके ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिए, ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया, ठीक है। और प्रीत क्या करती है, रेड कलर का फ्लैग लगाती है, वो क्या लगाती है, रेड कलर का, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके क्या करती है, रेड कलर का फ्लैग, अपना फ्लैग लगा देती है। तो अब बात हो रही है कि इनके फ्लैग के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये हमें निकाल, डिस्टेंस हमें फाइंड कर लो। मान लो ये प्रीत है और ये कौन है आपका, पहले कौन थी निहारिका, फर्स्ट कौन थी निहारिका थी और ये प्रीत थी, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है आपको, तो हम पहले क्या करेंगे, इनके डिस्टेंस निकालेंगे कि डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर कवर्ड बाय निहारिका, तो निहारिका ने 1/4 कवर करा है AD का, तो भाई AD का 1/4 हुआ आपका 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, मतलब 25, मतलब निहारिका सेकंड से स्टार्ट करी गई है इस पे लगाए, तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, 25, है ना। तो प्रीत डिस्टेंस कवर बाय प्रीत, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत, अगर आप प्रीत को देखोगे उसने क्या कितना कितना कवर करा है, 1/5 और AD, तो आप लिखोगे 1/5, AD कितना है आपका 100, 5 × 10 = 0, तो ये आगे 20, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 8, 20, 8, 20, तो आप इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो PR ये कौन है निहारिका और प्रीत, NP का डिस्टेंस चाहिए, तो आप लिखोगे वही फार्मूला सिंपल, डिस्टेंस x2 − x1² और y2 − 2² तो आपके पास x2 क्या है, x2 है 8 और ये है 2, ठीक है, और ये है 20 − 20, तो हमारे हिसाब से इसका आएगा 6² = 36 और 5² = 25, तो ये हो जाएगा बस 6 × 5 = 11, 3 × 2 = 5, √61, √61 क्या है, फ्लैग और प्रीत फ्लैग। अब इसने आगे क्या बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया बोथ फ्लैग। इफ एक लड़की है रश्मि हैज टू पुट्स अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन हाफ वे द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स
वेयर शुड सी पोस्ट और फ्लैग। अब देखो निहारिका ने इसके जाके बीच में फ्लैग लगाया, कैसे कलर का फ्लैग लगाया, देखो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर कर ले, येलो ब्लू कलर कर ले, तो इसने यहाँ पे आके क्या लगा दिया, ब्लू कलर का फ्लैग लगा दिया। वो पूछ रहे हैं कि ये बिल्कुल मिड में, मतलब ये मिड पॉइंट है, तो ये रश्मि है, तो हम कहेंगे लेट, ऐसे कर सकते हैं, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ एन पी, ठीक है, तो देयर फोर कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, तो ये क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, तो आपके पास एक्स वन कितना है, टू, एक्स वन मतलब निहारिका का, और इसका एक्स टू है 8, तो 2 + 8 डिवाइड बाई टू मतलब ये आ जाएगा 10/2, मतलब ये फिफ्थ रो से जाएगी, फिफ्थ रो से स्टार्ट करेगी, और कहाँ जाके लगाएगी, वाई के लिए, y1 + y2 डिवाइड बाई टू मतलब ये हो जाएगा 25 + 20 डिवाइड बाई टू मतलब 45/2, इसको आप बोलोगे 22.5, तो मतलब ये कहीं ना कहीं इसके 22 पॉइंट, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 4, 22.5, तो ये जो क्वेश्चन था ये था। उसके बाद आपका क्या रश्मि वो पोस्ट करेगी 5th रो में, 5th कॉलम में, और आगे जाके 22 पॉइंट, तो ये क्वेश्चन में था, ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों इंपॉर्टेंट है, 4 और 5 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं एक एक नंबर के। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो, कंडीशन चेंज है बस, क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई दिस, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में -3 और 10 और 6 और -8, ठीक है, तो ये ए इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, और डिवाइड कौन कर रहा है इसको, कोई पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है -1 और 6, तो ये पूछ रहा है रेशियो बताओ, तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो लेट करते हैं रेशियो, लेट क्या करते हैं, रेशियो हमारा, तो उसके लिए क्या करोगे, लेट सी डिवाइड्स ए बी इंटू टू के रेशियो वन, तो आप क्या मानोगे, के रेशियो वन, और ये क्या है एम वन, ये है एम टू। अब इसमें देखो जब भी हमें के रेशो वन, तो आप इसमें एक्स का भी सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हो और वाई का भी, तो अगर मैं इसमें एक्स का सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लूँ तो ये हो जाएगा एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस, तो ये जो एक्स है ये हमारे लिए एक्स है, तो एक्स हमारे लिए -1 होगा, एम वन है के को 8 6 से करोगे, के को 6 से करोगे तो 6 के आएगा, और 1 इसको 3 से करोगे तो -3 है, माइनस का 3, ठीक है, अपॉन में के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस का के और माइनस का 1 और ये माइनस का 6 और माइनस का 3, क्रॉस कर लोगे इसको, फिर से सोल्व करोगे, माइनस का के प्लस का 6 के, माइनस का 3 प्लस का 1, 5 के इक्वल्स टू -2, ठीक है, और ये हमारा कैसा आएगा, पास -1 माइनस हो गया, और ये 6 हमारा पॉजिटिव था, 6 हमारा पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 7 के, माइनस का 2 और माइनस, तो के कितना आ गया, 2/7, मतलब हमारा 2:7 है आंसर, तो जो सी है वो 2:1 में, देखो सी डिवाइड्स ए बी इंटू के रेशो वन, ठीक है, और के रेशो वन कह रहा, सॉरी 2:7, ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते तो क्या बोला गया, अरे फाइंड द रेशो इन विच लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, देखो पॉइंट के इस बार हमारे पास फिफ्थ के लिए पॉइंट है ए और बी, और इसके कोऑर्डिनेट है 1 -5 और दूसरा है -4 और 5, ठीक है, और इसको किस पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं, इसे डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, तो ये कोई कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस पर डिवाइड है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, तो लेट
सेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये हमेशा क्या होता है एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई जीरो होता है, तो ये एक्स कॉमा जीरो है। और लास्ट में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, मतलब हमें पहले ये एक्स निकालना है, हमें पहले हमें रेशो निकालना है और फिर रेशो का यूज़ करके हमें ये एक्स भी निकालना है। तो रेशो कैसे निकालेंगे आप, इसमें लेट करोगे, लेट भाई कि आप इसको सी मान रहे हो, सी डिवाइड्स ए बी इंटू के रेशो वन, तो हमने माना ये के रेशो वन में डिवाइड हो रहा है। तो इसमें आप देखो, इसमें एक्स की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो उसमें वाई वाला लगेगा सेक्शन फार्मूला, जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसी का लगता है फार्मूला, तो उसी से के निकलता है। बट एक ही बार लगेगा, दो बार नहीं लगेगा, या तो एक्स का लगेगा या तो वाई, या दोनों गिवन है कोई सा भी लगा लो आ जाएगा मान। यहाँ लिखोगे एम वन वाई टू, एम टू वाई वन, वन में एम वन प्लस एम टू एम वन। अगर आप देखोगे यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या गिवन है, वाई की वैल्यू जीरो है, एम वन है के इंटू फाइव और एम टू है वन इंटू माइनस फाइव, और नीचे कौन है के प्लस वन। क्रॉस करोगे तो ये के प्लस वन जीरो बन जाएगा, ये इधर आ गया फाइव के, माइनस का फाइव, इधर जाके फाइव प्लस हो गया, ये आ गया फाइव के, और के अगर हम देखेंगे तो फाइव बाई फाइव आ रहा है, इट मीन्स के आ रहा है वन रेशो वन, के कितना आ रहा है वन रेशो वन। इस तरह से आपने क्या निकाला, ये के निकाल लिया। अब ये जो रेशो है कन्फर्म हो चुका है कि ये वन रेशो वन है, तो अब x का फॉर्मूला लगाओगे तो ये जाएगा m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो सीधे वैल्यू पुट कर दो 1 इंटू फाइव, तो सॉरी x के लिए यूज़ करो ना, तो m1 इंटू माइनस फोर, माइनस फोर, वन इंटू फोर वन फोर वन, और ये नीचे 1 प्लस वन, तो ये आ गया माइनस का 3 और ये आ गया 2, तो ये आपका आंसर है। तो x के कोऑर्डिनेट क्या है जो मिसिंग है, तो ये होगा माइनस 3 बाई 2, ठीक है, तो ये कौन सा होता है फिफ्थ और फोर्थ, जिसमें रेशो निकालने थे, एक में सिंपल पॉइंट दिए थे, एक में पॉइंट ऑन एक्सिस है, तो हमने रेशो भी निकाल लिया और उसके बाद उस पॉइंट को भी निकाल लिया। ठीक है, अगला देखो, तो अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स अकेला है और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ वन टू फोर वाई एक्स सिक्स सिक्स फाइव आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द एक्स एंड वाई। तो आपको क्या करना है, पहले बनाना है पैरेललोग्राम, क्या बनाना है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में हमारे पॉइंट है ए जो वन टू है, बी जो कि फोर वाई है, फोर कोमा वाई, और सी जो कि आपका एक्स कोमा सिक्स है, और लास्ट वाला पॉइंट है थ्री और फाइव, ये सी है और ये टी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ये जो y मिसिंग है और ये x मिसिंग है, ये निकालना है। हम क्या करेंगे इसके लिए, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे, आप बोलोगे ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है आपका, तो जो डायगनल है, ये डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर एट ओ, ओ इसका मतलब क्या है, अगर ये डायगनल है, ये डायगनल है और ये भी डायगनल है, तो ये एक दूसरे का कर रहे हैं बाइक सेट, मतलब इक्वली काट रही है, इसका इक्वल है और ये इक्वल है, और ओ हमारा पॉइंट है मिड, तो देयर फॉर हम कह सकते हैं ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो देयर फॉर अगर आप इसका देखो, एक्स वाई आपके पास ऑलरेडी है, तो इसको एक्स वाई ना बोल के इसको बोल दे ये ए और बी निकाल रहे हो, मतलब आपके जो मिड पॉइंट है वो ए और बी है। तो ए का फार्मूला क्या होगा, ए का फार्मूला होगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, तो मेरे पास ए नहीं है, बट एक्स वन क्या है किसके केस में, ए सी केस में, ए सी केस में एक्स है वन और ये है एक्स, तो जाएगा वन प्लस एक्स डिवाइड बाई टू, तो और ये कटेगा नहीं, तो यही है। अब बी निकाला आपने, तो बी के लिए वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड टू, तो बी क्या है आपके पास टू प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू, बी इक्वल टू एट अपॉन टू, मतलब फोर, मतलब फोर। ठीक है, ये आ गया किससे, ये आपका आ गया इसे इक्वेशन नंबर वन बोल दो, इक्वेशन नंबर टू बोल दो, तो ये हमारे पास ए और बी आ गया, मतलब सेंटर आ गया ए सी से। अब बी डी से निकालेंगे, सेम फार्मूला एक्स इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, बट ये किससे, ये आप देख रहे हो बी डी से, तो बी डी का ये है चार और ये है तीन,
चार प्लस तीन डिवाइड बाई टू, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन का यूज़ करके ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हो, तो फ्रॉम वन से ये हो जाएगा वन प्लस एक्स डिवाइड बाई टू, फोर प्लस थ्री होगा सेवन, और अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, एक्स इक्वल टू सेवन माइनस वन मतलब, और जब वाई निकालोगे बी की जगह वाई लगाओगे तो बी वन प्लस वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू, और फ्रॉम वन से बी की वैल्यू फोर दी हुई है फोर, और वाई वन आपके पास वाई है और वाई टू आपके पास फाइव है अपॉन में टू है, टू फोर जो एट वाई प्लस फाइव, और इसे माइनस कर दो एट माइनस फाइव इक्वल टू वाई, तो वाई कितना थ्री आ गया, तो एक्स की वैल्यू सिक्स है और वाई की वैल्यू भी थ्री आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं किसके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स, आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और इसमें हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करा है, कुछ एग्जांपल में भी ऐसे क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, अगर आप क्वेश्चन नंबर सेवन ध्यान दोगे, लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, ए बी से डायमीटर, तो डायमीटर कब होगा, जब सर्कल होगा, थोड़ा गोल बना लेते, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, नहीं बन रहा फिगर, ठीक है, ये सर्कल है क्वेश्चन नंबर सेवन का हमारा, और ये डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर है, ए है ये बी है, और इसके जो सेंटर है वो हमारे दिया हुआ है, तो उसने बोला है ए के कोऑर्डिनेट तो मिसिंग है, तो एक्स वन वाई वन मिसिंग है, बी के कोऑर्डिनेट वो कह रहा है कि वन फोर है, तो ये जो सेंटर इसको हम ओ बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिया है सेंटर इज टू कॉमा माइनस थ्री, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये x मिसिंग वाला है और ये y1, तो हम क्या करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, तो बोलोगे O इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर जो x होगा वो कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, x की वैल्यू आपके पास सेंटर की वैल्यू में 2 है, यहाँ पे ये x है और यहाँ पे y x2 है आपके पास 1 अपॉन में 2, क्रॉस करोगे तो फोर एक्स प्लस वन, माइनस करोगे फोर में से वन गया वन है ना, इधर जाके माइनस करोगे तो फोर में से वन गया थ्री, तो ये एक्स वन आ गया, और वाई को यूज़ करोगे तो वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, तो वाई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना, ये है आपका वाई वन, तो वाई वन ही रहेगा मतलब वाई तो चाहिए मुझे, और ये फोर है अपॉन में टू, और इस वाई की वैल्यू माइनस थ्री, वाई वन प्लस फोर अपॉन में टू, क्रॉस करोगे ये जगह टू इक्वल टू वाई वन प्लस फोर, जगह माइनस सिक्स माइनस फोर इक्वल टू वाई वन, वाई वन कितना आ गया आपका माइनस, कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए है आपका थ्री कॉमा माइनस, थ्री कॉमा माइनस टेन, इस तरह से आप इसके जो मिड पॉइंट फार्मूला है उसे यूज़ कर सकते हो, तो इसमें हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया है, एक सर्कल था उसका डायमीटर का पॉइंट ए गिवन नहीं था, ए गिवन नहीं था, बी गिवन था और सेंटर गिवन था, कोई से भी अगर वो तीन में से दो दे देगा तो आप उसे फाइंड कर सकते हो मिड पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जो एट है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये बहुत ईजी, देखो इसमें क्या है कि आपके पास ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट है माइनस टू कॉमा माइनस टू, और बी के कोऑर्डिनेट है टू कॉमा माइनस थ्री, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू कितना है, ए पी इक्वल टू थ्री बाय सेवन ए बी है, तो पहले आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा सेवन ए पी इक्वल टू थ्री ए बी, और ए बी को ब्रेक कर दो लाइन के अकॉर्डिंग, अगर पी इसके बीच में है, पी का यहीं पे है, तो ब्रेक क्या होगा, थ्री इक्वल टू ए पी और पी बी, ए पी और पी बी, अब मल्टीप्लाई करो सेवन ए पी इक्वल टू थ्री ए पी और प्लस थ्री पी बी, ए पी, अभी ये जो ए पी था ये साइड में जो ए पी था, इस ए पी में से ये ए पी माइनस कर दो, तो सेवन ए पी, सेवन ए पी माइनस थ्री ए पी इक्वल टू थ्री पी बी, ये हो गया फोर ए पी इक्वल टू थ्री, हाँ ये कितना थ्री पी बी, अब ये रेशो बन जाएगा ए पी, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू फोर रेशो थ्री, मतलब आपको इसमें सेक्शन फॉर्म लगाना है,
4:3 करके, तो आप इसको घर पे कंप्लीट कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन वन की तरह होगा, तो उसमें बस ये रेशो ऐसा दिया था, उस रेशो को हमने एपी और पीपी में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन जो रेशो दिया वो एपी और एबी था, तो हमने उसको एपी और पीबी में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब ये एपी 4 है और ये 3 है, तो रेशो 4:3। ये क्वेश्चन आप इसे इजीली सॉल्व कर ले। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा हुआ है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इसके वर्टेक्स ये हैं और ये एरिया ऑफ रोम्बस का है प्रोटेक्ट ऑफ डायगनल। देखो अगर हम देखें ये रोम्बस है, ये रोम्बस क्या होता है जिसकी चारों साइड साइड क्या होती है इक्वल होती है, पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसके कोऑर्डिनेट है आपके 3,0, 4,5, -1,4 और डी है -2। और अगर आप इसके कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करो तो ये डायगनल बनेंगे। हम इसका एरिया लगाएंगे, अगर एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 t1d2, मतलब 1/2 ए सी बी डी, तो हमें ए सी और बी डी का डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालोगे, देखो ए सी का निकालते हैं, ए सी सेम सीधा कर देते हैं, डिस्टेंस 4, डिस्टेंस है ये -1 और ये -1, -1 और -1, -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, -1 -1 -4 -4 का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी 4 -0 4 का स्क्वायर हो चुका है, तो ये हो गया आपका 16 4 6 16, 32। 32 को आप 5√2 भी कह सकते हैं, 5√2, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या मिलेगा आपको, मिलेगा, अच्छा मैंने 5√2 लिख दिया, ओके ओके भाई, ये 2√2 आएगा, 2 2√2, ऐसे लिख देते हैं सर, ये 2√2 होगा, 5 बार 2√2 आएगा, 2 के पेयर बनेंगे तो एक का नहीं बनेगा, उसको अंदर छोड़ देंगे। अगर हम बीडी निकालेंगे, देखो बीडी बीडी क्या है, 4 - 2 तो ये 6 हो गया, 4 - 2 + 2 का, और 5 - 1 + ठीक है, तो आपके पास 4 + 2 2 का स्क्वायर 36, और 5 और 6 36, और 36 × 72, और 72 को ले सकते हैं 6√2। अब यहाँ रख दो फार्मूले में 1/2, 2√2 और 6√2, 2 से 2 कैंसिल, √2 √2 हो गया 2, और ये हो गया आपका 6, कितना हो गया 6 × 12। ओके, और हमारे पास कुछ था करने के लिए, ये 4√2 है, ये 2√2 क्यों लिखा मैंने, 4√2 है ना, तो यहाँ 4√2 है, कैंसिल करोगे 2 तो 1 को 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 24। इसका आंसर कितना है, 24 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी, हमने 32 को फिर से गलत लिख लिया था, 4√2, तो ये 4√2 है, 6√2 है, मैं रख दिया डायगनल में फार्मूला, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, सेक्शन मत करना, नहीं निकलेगा इसमें, आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, और रोम्बस का जो एरिया होता है वो 1/2 d1 d2 होता है, तो ए सी बी डी की लेंथ निकाला, वैल्यू करो और आ गए। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10। आप आगे जाके इसको लेना, आप हमारी और इस साल अगर आपके एग्जाम में 7.3 एक्सरसाइज नहीं है तो आप यहाँ तक प्रैक्टिस करके जाना है, और एक्सरसाइज 7.1 करके जाना, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो बच्चों का एग्जाम है उसके बच्चों, तो